भारत की अंजू अपने पाकिस्तानी प्रेमी के पास भागी, पति और बच्चों को छोड़ गई अंजू। उसकी बेटी ने अपने रोते पिता से क्या कहा? बच्चों को जब ये पता चला कि मदर ऐसे चली गई है तो बच्चों को क्या रिएक्शन? बच्चों को तो ये लड़की कह रही बैग रख बाहर रख दो। कि अगर आपकी वाइफ वापस आती है तो बच्चे फैसला लेंगे कि लेकिन आप पर्सनली आपसे पूछ क्योंकि आप लंबा साथ उनके साथ बिताया है और वाइफ है आपकी, जो भी उन्होंने ये किया है क्या आप उसको आगे किस तरह देख रहे हैं? तो देखो फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। आपको जब ये पता चला कि मदर ऐसे चली गई है तो बच्चों को क्या रिएक्शन था? बच्चों को तो ये लड़की कह रही बैग वैग बाहर रख दो। पुलिस में आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की? कुछ नहीं किया सर, कल ही पता चला मेरे को। आपके पास कोई सूचना उचना लेने आई थी? अभी तो मेरे को क्या पता कौन कल आई थी उन्हें वही सामने जो थी सारी बात विचार हुई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ वापस आती है तो बच्चे फैसला लेंगे कि लेकिन आप पर्सनली आपसे पूछ क्योंकि आप लंबा साथ उनके साथ बिताया है और वाइफ है आपकी, जो भी उन्होंने ये किया है क्या आप उसको आगे किस तरह देख रहे हैं? तो देखो फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है, ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है उसको। जयपुर भी गई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी आ गई, मैंने मना कर दिया वहाँ मत जाओ मत करो यहीं आओ यहीं रहो। बच्चे उस समय फरीदाबाद रहते थे कोविड-19 पे, तो इनके हो गए थे, फिर मैं लाया बच्चों को 10-15 दिन रखा अपने पास, फिर इनको भी हो गया था फिर भी लाया, मैंने ही रखा, मैंने रहो यहाँ जब ठीक ठाक हो जाए। क्या अरुण जी कभी पहले भी ऐसा हुआ कि वो बिना बताए चली गई हो या किसी रिश्तेदार के चली गई हो? ना बता के जाती है, बता के गई है, जिस गई है तो फरीदाबाद ही गई है, ऐसा कहीं नहीं। ऐसा पहली बार इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? हाँ, अब पता नहीं पासपोर्ट के चक्कर में उन्होंने सोचा एक वीजा लगवा लूं, ये भी हो सकता है। क्या कोई आपको शक भी लगता है कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है इसमें या किसी ने कुछ जालसाजी कर दी उनके साथ या फंसा लिया हो किसी ने कुछ ऐसा? अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता, वो अभी मीडिया पे मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आपको डर लगा कि पाकिस्तान तो चली गई है? हाँ, मेरे को डर लगा, मैंने उसको बोला भाई तू जल्दी से आ जा इधर, क्योंकि वहाँ चल रहा है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और सीमा वाले देख रही है, यहाँ कुछ कच हो जाएगा फिर। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जल्द से वापस आए? मैं तो चाहता हूँ आए, मैं बच्चे फैसला करेंगे। आपके परिवार का क्या कहना है इसके? जो आपके माता पिता हैं या? मेरे मामी पापा तो हैं। और जो रिश्तेदार वगैरह उनसे कोई बातचीत हुई? मेरे पापा जी से बात हुई थी बस वही। उनका क्या कहना है कि? उन्होंने बोला मरने दे तुम बच्चों को देखो। क्योंकि अरविंद जी ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आप लोगों के साथ हो गया है और आगे के लिए आपने क्या सोचा है? अभी तो आगे के लिए नहीं, अभी यही दिमाग में घूम रहा है, बस इंतजार है उसका।